नहीं, आपने वोट दिया है, क्या आपको भरोसा है जनता आपको दोबारा जिताएगी? बिल्कुल पूरा भरोसा है। 5 साल में मिर्ज़ापुर का जो विकास हुआ है वो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ था, और मिर्ज़ापुर की बेटी होने का मैंने फ़र्ज निभाया है, और मिर्ज़ापुर की जनता मुझे एक बार फिर आशीर्वाद देने जा रही है, ये मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा मैम, आप भूमि भी है यहाँ पे, और ये कहा जा रहा है कि आपने विकास भी किया है, तो ऐसे में विश्वास हासिल होगा इस बार, उम्मीद है? देखिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को खोखले दावे खोखले वादे नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यहाँ जितनी भी सरकारें आई, जितने भी जनप्रतिनिधि बने, जनता को सपने दिखाते रहे लेकिन उन सपनों को हकीकत में कभी तब्दील नहीं किया। लेकिन मैंने बहुत बड़े बड़े वादे और दावे नहीं किए, ईमानदारी से निष्ठापूर्वक मिर्ज़ापुर के लिए काम किया है। मिर्ज़ापुर की 5 वर्षों में तस्वीर बदली है, जन जन के अंदर आज इसकी चर्चा है, आप लोगों के बीच में जाएंगे आपको स्वयं सुनने को मिलेगा, और अपने काम के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि मिर्ज़ापुर की जनता एक बार फिर मुझे आशीर्वाद। मैम, सरकार किसकी बन रही है? पश्चिम बंगाल में वोटिंग है, सारे देश में सरकार किसकी बन रही है? सरकार NDA की ही बन रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, देश की जनता ऐसी सरकार के साथ खड़ी है जो देश का विकास करना चाहती है, जो देश के मान सम्मान की रक्षा करना जानती है, और जो देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकती है। जनता की ये चाहत है, जनता खड़ी हुई है। 23 को मोदी फिर आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, ये तो हम जब चुनाव शुरू हुआ है तब से ही इस बात को कह रहे हैं। 23 मई को तो सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी है। थैंक यू मैम।